मानना, मुझे नहीं पता इस चीज़ पे कितने लोग अग्री करेंगे या कितने लोग डिसअग्री करेंगे, कि आज हम जिस पे कंडीशन में हैं, हम जिस पे पोजीशन पर हैं, अच्छी या बुरी या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक डिवाइन पावर है जो डेफिनेटली हमें ड्राइव कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए, और उसी के रहते हुए कि आगे जाकर कुछ ना कुछ डेफिनेटली फिर बोल रहा है कुछ ना कुछ अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तभी हम पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में हैं, और यही मेरा मानना है। और इसी पावन सोच के साथ आज मैं आपको गुरुद्वारे दिखाने लेकर चल रहा हूँ, वैनकूवर का। I'm a pretty boy, I'm stunning. Call me Big Papa, I'm stunning. Hey guys, this is Yathart Gandhi and you're watching Yathart Talks. Thank you so much for being here. और पीछे मेरा घर है जो कि आप देख सकते हो, और मैं बाहर निकल चुका हूँ वहाँ से, और अब हम जा रहे हैं कहाँ, गुरुद्वारे, और मैंने पूरी दाढ़ी वगैरह काट ली है, बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ, बिल्कुल बढ़िया लग रहा हूँ, एकदम स्टनिंग, I'm a big pop, I'm stunning, ऐसा लग रहा हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं और आपको जाते जाते मैं दिखाऊंगा, मतलब जाते जाते तो सीन्स दिखाऊंगा, बट गुरुद्वारे पहुँच के डेफिनेटली वहाँ के बारे में भी बताऊंगा, और गुरुद्वारे में क्या है क्या नहीं है और यहाँ पे कितना डिफरेंट है इंडिया से, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं, और यहाँ से मुझे लगेंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि पहले मैं एक ट्रेन लूँगा, स्काई ट्रेन से 3 स्टेशन तक मुझे जाना है, उसके बाद स्काई ट्रेन के बाद जब मैं अपने 3rd स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा जो कि है मरीन ड्राइव, यहाँ पे भी है मरीन ड्राइव, बॉम्बे वाला नहीं, अगर बॉम्बे वाला होता तो मज़ा ही आ जाता यार, पहुँच जाता घर, अरे घर किया था, बट चलो कोई बात नहीं, दिस इज लाइफ, सच इज लाइफ। ग्रीनरी देखो कितनी है इधर, जहाँ देखो ग्रीनरी यार, तब प्यारा है यार सब कुछ, ये देखो। और हाँ, ये एक चीज मैं आपको दिखाने भूल गया, ये वाला जो पेड़ है ना, ये है जो मेरे घर के पास है, और एक ये है एक बड़ा सा, और एक ये वो जो सामने दिख रहा है बड़ा वाला वो, और ये दोनों पेड़ है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते तो आपने देखा होगा कि जिस दिन मैं पेड़ पे चढ़ा था वो यही वाला पेड़ था, और नहीं करते तो जाके फॉलो करो ना जल्दी से, तभी तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्या चीजें करता रहता हूँ, और इसमें तो आपको मजा आएगा, ताकि आपका डे ब्राइट होएगा। यहाँ के जो गुरुद्वारे का नाम है उसको हम कहते हैं खालसा दीवान सोसाइटी, और रिचमंड में भी एक गुरुद्वारा है और वैनकूवर में भी एक गुरुद्वारा है, और उसके अलावा जो सरी है जो हमारी आसपास की सिटीज़ हैं, मैं उनके टोटल बात कर रहा हूँ, सरी में काफ़ी सारे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली मिनी पंजाब है, तो सरी में काफ़ी सारे हैं, वैनकूवर में एक है जिसका नाम है खालसा दीवान सोसाइटी, अगर आप वैनकूवर में तो वहाँ जा सकते हो, उसके बाद रिचमंड में भी एक है, रिचमंड में तो बल्कि एक चीज़ है कि गुरुद्वारा, मॉस्क और चाइनीज टेम्पल मॉनेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो तीनों एक ही लाइन में है, तो बहुत ही सेक्युलर सा एनवायरनमेंट है, और अगर आप if you are quite a secular or probably a spiritual person, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि मंदिर है कि नहीं है, मंदिर भी है गाइज, मंदिर एक एज इन क्या बताऊँ मैं, मतलब एक और सिटी यहाँ पे आस पास में, उसे कहते हैं बर्नबी, वहाँ पर है मंदिर, इस्कॉन टेम्पल है उधर, और सारे भगवान का मतलब एक मंदिर है जहाँ पे सारे भगवान है, तो वो क्लब सा मंदिर है, तो वहाँ पर मैं एक बार ही गया, दो बार ही गया हूँ एक्चुअली, और वहाँ पर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, और वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। मैं पहुँच चुका हूँ गुरुद्वारे, मतलब पहुँचा नहीं हूँ एज इन बाहर हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चलते हुए खालसा दीवान सोसाइटी यानी गुरुद्वारा वैनकूवर का।
दिखा दिया अंदर से गुरुद्वारा, तो आप देख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इंडिया का गुरुद्वारा होता है वैसे ही सेम गुरुद्वारा है, यहाँ पर भी सब कुछ ही सेम है यहाँ पर, और दैट्स इट। और जैसे अगर आपको बाद में प्रसाद मिलता है हलवे का, वो प्रसाद भी मिला मुझे आज यहाँ पर। हलवे का प्रसाद तो हमेशा ही मिलता है, पर आज मुझे एप्पल भी मिला। कितना सुंदर एप्पल, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद भी आया, अबाउट लाइक हो गए 2 वीक्स उसके बाद में आया हूँ, और आज एप्पल भी मिला, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है मुझे। और उसके अलावा लंगर भी मिलता है, और हमेशा मिलता है लंगर। आजकल नहीं सर्व कर रहे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बट जब पैंडमिक नहीं था तो उसके तब उन दौरान हमेशा मिलता था, मंडे टू संडे सुबह से लेकर रात तक। तो और काफ़ी अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ लंगर करने के लिए, भी बहुत अच्छा होता है, बहुत टाइप की वेराइटी होती है। और लंगर हॉल का मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है लंगर हॉल। जैसे हम इंडिया में नीचे बैठ कर खाते हैं, वो ऑप्शन भी है, आप एक रूम बना हुआ है जहाँ पे आप शूज उतार के नीचे बैठ कर खा सकते हो, और टेबल चेयर्स लगी हुई हैं, और एक जगह जहाँ पे टेबल चेयर्स लगी हुई हैं तो आप लोग शूज पहनकर अपना पूरा बस सर ढका होना चाहिए, वहाँ पर बैठ कर भी आप लंगर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लंगर चख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीज़ें, एक ये थोड़ी सी डिफरेंट, और ये चीज़ सिर्फ वैनकूवर के गुरुद्वारे में, सरी के गुरुद्वारे में ऐसा नहीं है। सरी के गुरुद्वारे में आप नीचे बैठ कर ही खाते हो। हाँ, और एक और चीज़, दो और चीज़ें और बतानी है मेरे को। एक सरी की बात छेड़ी की है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सरी के गुरुद्वारे में स्टूडेंट्स को फ्री ग्रोसरीज मिलती हैं, तो जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है कभी कुछ भी हो जाता है तो वो वहाँ पर जाके ले सकते हैं फ्री ग्रोसरीज। बट मैं नहीं लेता, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आपको ऊपर वाला इतना दे रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ चला सको, तो ज़रूरी नहीं है कि यू शुड ऑलवेज बी अ टेकर, तो यू कैन ऑलवेज बी अ गिवर ऑल्सो, समटाइम्स यू कैन बी अ गिवर। तो ये मेरा मानना है, इसमें मैं किसी को गलत या सही कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिसका जैसा जिसको ठीक लगता है वो वैसे कर सकते हैं। सरी के गुरुद्वारे में फ्री क्रोसेज मिलती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जा सकते हो, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो। ये दो चीज़ें होगी। थर्ड चीज़ एक और है कि गुरुद्वारे में, मैं इस स्पेसिफिक गुरुद्वारे की बात करूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप लोग यहाँ पर रह भी सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, या थोड़ी सी कॉस्ट है, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। वो आपको अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको यहाँ पर अगर पूछना पड़ेगा। जब आपका रहने, बस ये होता है कि यहाँ पर थोड़ी सेवा करनी होती है, जो कि कोई भी कर ही देता है वैसे भी, और आप सेवा वैसे भी कर सकते हो अगर आपको गुरुद्वारे में नहीं रहना उसके बावजूद। मतलब अगर आप गुरुद्वारे में नहीं रहते हो तब भी आप आकर सेवा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप गुरुद्वारे में रहते हो तो आपको सेवा करनी ही पड़ती है, मतलब आपके खुद से मन से निकल जाते हैं कि मुझे सेवा करनी है। तो मैं और जो जहाँ तक मेरा सवाल रहा, तो मैं भी आता हूँ कभी कभी सेवा करने के लिए, पहले आता था बट अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं होता, तो अभी कोई सेवा नहीं चल रही। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने आपको अभी बात बताई है रहने वाली, तो आप यहाँ पर आके रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था, हमारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा कज़न ब्रदर है, हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें चीट कर लिया था, एंड हमारे पास कोई जगह नहीं थी तकरीबन 10 दिन के लिए रहने के लिए, और इतना ज़्यादा सामान था। तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था उन दिनों में, और 10 दिन के लिए घर पर कोई छत नहीं थी, तो ऐसा होता कि फिर कुछ ना कुछ हमने मैनेज कर लिया था, वो चलो अलग चीज़ है। बट हाँ, गुरुद्वारा एक ऑप्शन होता है कि आप लोग यहाँ पर आकर रह सकते हो और अपनी लाइफ थोड़ी सी इजी कर सकते हो। ये ज़रूर है कि आपको जैसे वो जैसे नॉर्मल गुरुद्वारे के हॉल्स होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, वैसे ही सेम हॉल्स मिलेंगे यहाँ पे, और यहीं पर आपको रहना होता है। तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और वो सेवा भी करते हैं यहाँ पर, लंगर भी खाते हैं और लंगर बनाते भी हैं लोगों के लिए, और हर चीज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं बेसिकली जो मैं जगह दिखाने वाला हूँ आपको वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये वो जगह है सामने जहाँ पर हॉल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग अंदर जाकर, मैं कभी गया नहीं यहाँ पर अंदर, तो यहाँ पर हॉल्स हैं और यहाँ पर आप बच्चे जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो अब आज का मैं व्लॉग यहीं पे करता हूँ एंड, और एक बारी मैं यहीं से कर लेता हूँ पीछे से, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और दिस वाज यथार्थ गांधी एंड यू वाचिंग यथार्थ टॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट्स, इस बार मुझे ये चीज़ याद रही, और बस वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग यहाँ पर जिनको नहीं पता गुरुद्वारे के बारे में, वो आकर एक बार आ जाना, मत्था टेक लेना, और यही था। और अगली वीडियो देखते हैं कब आएगी, नेक्स्ट वीक ही आएगी या फिर इस वीक आएगी, मुझे नहीं पता, लेट्स सी, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फॉर ऑल द फन स्टफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।